हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग ज्ञान चैनल पे। दोस्तों, जब भी हमारा कुछ खाने का मन होता है तो हम बाजार से जाकर रेडीमेड पैकेट्स की चीज़ें ले आते हैं और जिन्हें हम बड़े ही स्वाद से खाते हैं और वो बेहद ही टेस्टी होती हैं। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये चीज़ें कैसे एक मशीन में तैयार होती हैं और कैसे इन पैकेट्स में हमारे पास पहुंचती हैं? तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ रूपानी जोशी और हम जानेंगे आज बेहद ही टेस्टी फूड जो मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा तैयार होता है और हम देखेंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसक्रीम। जी हाँ दोस्तों, जिसे देख कर सबके मुँह में पानी आ जाता है और ये सबकी फेवरेट होती है। पर अगर यह आइसक्रीम अमूल की हो तो कुछ बात ही निराली होती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे अमूल की आइसक्रीम है जो फैक्ट्रीज में तैयार होती हैं, जो शुरुआत होती है वो है डेयरी फार्म से और इसकी शुरुआत गाय के दूध से निकालकर की जाती है और इसे अमूल पार्लर्स में भेज दिया जाता है जहां दूध जांच की जाती है और क्वालिटी इंश्योर करने के बाद इसे स्टोर साइक्लोज में पंप कर दिया जाता है और अब शुरू होता है फिल्ट्रेशन और सेलेट्रेशन का प्रोसीजर, जिसमें क्रीम और दूध से अलग हो जाती है और अब इसमें चीनी और बाकी और इंग्रेडिएंट्स को मिला दिया जाता है और फिर इस मिक्सर को प्रेशराइज की जाती है और कुछ और प्रोसेसर करने के बाद लिक्विड को स्टोर करके जमा दिया जाता है और अब शुरू होती है पैकेजिंग का टाइम। जी हाँ, इसे एक वैक्यूम मशीन में प्लास्टिक के टब्स में सर्कल्स में घुमाया जाता है और स्टोरेज टैंक में भरी हुई स्ट्रॉबेरी और वनीला आइसक्रीम्स को नोजल की सहायता से पैक किया जाता है और तैयार हो जाती है हम सबकी फेवरेट अमूल आइसक्रीम। और इसी तरह आइसक्रीम कॉन्स को भी खाली कॉन्स में पहले चॉकलेट और फिर वनीला आइसक्रीम और उसके ऊपर कुछ नट्स डाल के और फिर पैकेट में तैयार करके हम सबके लिए तैयार कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं हम सबकी फेवरेट जो है च्युइंगम। जी हाँ दोस्तों, इसे एक प्लास्टिक और एक सिंथेटिक मटेरियल से बनाया जाता है और इसमें फ्लेयरिंग और कलर भी ऐड किया जाता है। बाद में इस पेस्ट को एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है और इसे स्टेचिंग किया जाता है। इसके अलावा इसमें ग्लूकोज सिरप भी डाल दिया जाता है जिसकी वजह से च्युइंगम को एक सॉफ्ट और एक मज़ेदार टेक्सचर मिलता है। सभी इन्ग्रीडियंट्स को करीब आधे घंटे तक मिक्स किया जाता है और इसे इसके दौरान जो हीट पैदा होती है इससे च्युइंगम को एक अमेजिंग टेक्सचर मिलता है। अब इसमें मिक्सर को एक एक्सट्रूडर में डाल दिया जाता है जहां यह एक पतली लेयर्स में काट दिया जाता है और इसके बाद इस स्टिचर्स को एक फीजर्स में डाल दिया जाता है और जिसके कारण यह च्युइंगम रैपर्स में नहीं चिपकती और एक अमेजिंग च्युइंगम बनकर तैयार हो जाती है। यह मशीन एक मिनट में 900 च्युइंगम तैयार करती है। अब हम बात कर लेते हैं हम सबकी फेवरेट मैगी नूडल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये हिमाचल की नेस्ले की फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और ये दुनिया के सबसे अच्छे क्वालिटी के गेहूं को हार्वेस्ट करके बनाए जाते हैं। ये गेहूं को पहले फैक्ट्री में लाया जाता है और रॉ मटेरियल को पहले टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और टेस्टिंग में जब ये पास हो जाते हैं तो इनको आटे की तरह गूँथ लिया जाता है और इसके बाद इसे रोलिंग मशीन में आटे की तरह गूँथने के बाद इसे एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है और इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप काट के और अब इन्हें डिजाइन दिया जाता है मैगी नूडल्स की यूनिक शेप में। अब इन्हें एक फायरिंग बॉल्स में डाल दिया जाता है जहां इसे 80% तक कुक किया जाता है और बाकी की 20% आप घर पे आसानी से कुक कर लेते हैं। अब बारी आती है इसके लजीज और सबके फेवरेट मसाले के, जिसमें हम जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर को सारी रेसिपीज को मिला लेते हैं और उसके बाद कुछ ऐसे इन्ग्रीडियंट्स जो आज तक नेस्ले की कंपनी ने नहीं बताए हैं उनको भी इसमें मिक्स कर दिया जाता है और पैकेट के लिए तैयार कर दिया जाता है। इस तरह तैयार होती है हम सबकी फेवरेट मैगी अमूल चॉकलेट। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको लेके जा रहे हैं अमूल के सफर पे। जी हाँ, अमूल चॉकलेट जिसको देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, हम सबकी वो फेवरेट होती है। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है कोको सीड्स से जो साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से इंपोर्ट करके कोकोस का पल्प इनमें से निकाल लिया जाता है। इससे
चॉकलेट बनाई जाती है। इस फल्स में से कोको बीन्स को निकाल लिया जाता है और इसके बाद इनको धूप में सुखाने के लिए रख दिया जाता है और ये बीन्स को बाद में फैक्ट्रियों में रोस्ट किया जाता है और फिर यह पाउडर के रूप में बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद इनको चॉकलेट चिप्स की शेप दी जाती है और इन चॉकलेट चिप्स को पैक करके अलग अलग कंट्रीज में भेज दिया जाता है। और जब ये चिप्स अमूल की फैक्ट्री में आते हैं तो इसमें बटर और शुगर मिक्स किया जाता है और जब ये है इस मशीन में फिल्टर होने के लिए आता है तो ये एक स्मूथ टेक्सचर तैयार होता है और इस चॉकलेट को एक स्मूथ टेक्सचर मिलता है जिसके कारण इसको बाद में फ्रीजर में डाल दिया जाता है और बाद में इसको चॉकलेट के मोल्ट में तैयार किया जाता है और उसके बाद इसको पैकेजिंग करके हम सबके पास पहुँचा दिया जाता है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों कुरकुरे की। जी हाँ, जो हम सबके फेवरेट होते हैं। 1999 से लॉन्च हुए कुरकुरे हम सबके दिल में राज कर रहे हैं। तो चलते हैं इसके कुरकुरे बनने के सफ़र पर। कोलकाता के पैसिफिक प्लांट पे बनाए जाते हैं कुरकुरे। पहले प्लांट्स में रॉ मटेरियल्स को लाया जाता है और इसमें जो सामग्रियां हैं कॉर्न मिल्स, वेन मिल्स और कुरकुरे का स्पेशल मसाला उसकी शुरुआत होती है और इसको एक टेस्ट में पास किया जाता है। इसके टेस्ट में पास हो जाने के बाद इन कुरकुरे को राइस कॉर्न और वेम्स में फैक्ट्रीज में वैल्यूज में बिल्ड किया जाता है। उस बिल्ड करने के बाद इसको मिक्सर तैयार होने के बाद इसको एस्ट्यूडर्स में डाल दिया जाता है और कुरकुरे को टेढ़ी मेढ़ी शक्ल में तैयार किया जाता है। पर अभी इसमें बाकी है वो फेवरेट मसाला डालना। जी हाँ दोस्तों, अब एक इसमें कन्वेयर बेल्ट में गुजरने के बाद इसको फ्राई करा जाता है और इसके फ्राई करने के बाद इसमें छिड़का जाता है वो फेवरेट टेस्टी मसाला। जी हाँ, और अब यह पैकेजिंग के लिए कुरकुरे तैयार हो जाते हैं और यह पैकेट होके हमारे पास पहुँच जाते हैं। तो दोस्तों, आज की मज़ेदार वीडियो आपको कैसी लगी इसको आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट है तो उसके बारे में आप ज़रूर बताइए। और अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। एंड जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। हम फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने। थैंक यू सो मच।